हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही एक इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप पहली बार भी बनाना चाहते हैं तो ये मिठाई बना सकते हैं और ये बहुत कम टाइम में बनके रेडी हो जाती है, बहुत ही कम टाइम में, और कहीं भी आप बैठ के बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है ना, देखने में बहुत ही अच्छा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा था ये मिठाई। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक बाउल, उसके बाद मैं 3 चम्मच में ले रही हूँ नारियल का बुरादा, जिसे डेसिक्रेट नारियल का बुरादा बोला जाता है। तो ये देखिए, मैं और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे चीनी, मतलब चीनी आप पीस के ले सकते हैं, मैं यहाँ पे बूरा ली हूँ। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हमको यहाँ पे अब क्या ले लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ, आपके पास मलाई अगर ना हो तो आप दूध मिक्स दूध से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम मिक्स करने के बाद तो ये देखिए कैसे हो गया है इस मेरा टेक्सचर। तो मैं फिर से मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ जो नारियल का बुरादा हो, तो दो मतलब मिक्स करके आपको 2 मिनट तक छोड़ देनी है ताकि वो नारियल का बुरादा हो वो फूल जाए अच्छे से। तो ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया। उसके बाद मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से चम्मच से नहीं मिक्स हो पाया था तो मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ फ्रेंड्स। मिल्क पाउडर कहीं भी मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मिल्क पाउडर सभी के घर में होते हैं फ्रेंड्स, कभी हम लोग के पास दूध नहीं होता है तो इसको मतलब चाय बनाने का काम आ जाता है। तो ये देखिए, ये सब चीज़ आपके घर में ज़रूर होता है। तो ये देखिए, हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए कैसा इसका टेक्सचर आ गया है। तो आपको एकदम सॉफ्ट सा मतलब डो एक बनानी है। तो ये थोड़ा सा मतलब हार्ड दिख रहा था, इसीलिए मैं 1 चम्मच और मैं दूध डाली हूँ यहाँ पे। तो आप दूध में भी बना सकते हैं इसको, अगर मलाई नहीं हो तो। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसको बाइंड कर लिए हैं और फिर से मैं 1 चम्मच और डाल दी हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं हो तो आप काजू और बादाम का पाउडर मतलब ग्राइंड करके आप उसमें डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, इसका हम डो बना लिए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं देसी घी लगा ली हूँ और इसको हम अच्छे से मसलेंगे ताकि इसका चिकना मतलब चिकनाहट अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक प्लेट ली हूँ और घी लगा करके यहाँ पे हम इसको अच्छे से हम यहाँ पे फैलाएंगे हाथों से। तो आपको जैसे मतलब मोटा या पतला करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पतला करी की हूँ और मैं लंबे शेप में मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं सेट कर दी हूँ, उसके बाद मैं फ्रिज में डाल दूँगी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैं सिल्वर वर्क लगा रही हूँ फ्रिज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो लगाइए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत ही अच्छा इसका मतलब अच्छा लगता है देखने में भी। तो देखिए, मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लंबे शेप में कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कटिंग हो रहा है और इसको मैं 1 घंटे के लिए रखी हुई थी फ्रिज में। तो 1 घंटे के बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको जल्दी कटिंग करनी है तो आप फ्रीजर में रख दें 1/2 घंटे के लिए, चाहे 10 मिनट में ये सेट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना प्यारा आया इसका टेक्सचर, बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुई है मिठाई फ्रेंड्स। और इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मिठाई को बनाना। तो यहाँ पे मैं पिस्ता से थोड़ा सा इसे लगा दी हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो ये देखिए, मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये बनके रेडी हुआ है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।